ये कौन नालायक है क्लास में, बार बार स्पैम किए जा रहा है, मेरे पापा से शादी करेंगी, तुमको शर्म लिहाज है कि नहीं है जरा सा भी? पता है बेटा, अगर तुम मिडिल ईस्ट में होते ना तो पता है वहाँ सजाएं कैसे मिलती है? हमारे यहाँ तो फिर भी कानून बहुत अच्छा है, बहुत सेक्युलर जगह है। मिडिल ईस्ट में अगर होते ना बेटा तो चॉप 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 हाथ करके काट दिया जाता, चोरी करने पर हाथ काट दिया था। मिडिल ईस्ट की जो सजाएं होती हैं, शरिया लॉ के तहत जो सजाएं होती हैं, पेल्टिंग ऑफ स्टोन, यहां तक भर देता तुम्हें मिट्टी के अंदर और फिर मारता वो पत्थरों से सर के ऊपर, समझ रहे हो? पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। एक बात बताओ, अगर तुम सबको शादी के लिए प्रपोज करना है तो पढ़ोगे कब? पैदा हुए हो शादी करने के लिए कि पढ़ने के लिए भी पैदा? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, तुम लोग बिल्कुल भी मत जाना उनकी बातों पे। देखो जो लड़कियाँ, तुमको पहचानना कैसे है कि कौन यहाँ पे लड़का है, कमेंट सेक्शन में कौन लड़की है, मैं तुमको बहुत अच्छा उपाय बता रही हूँ। बेचारे तुम लोग फंस जाते हो ना इनके चक्कर में, बताते हैं। जो लड़की यहाँ मैम की तारीफ कर रही होगी आके, समझना वो लड़की नहीं वो लड़का है, ठीक है? जी मैम। और जो लड़की ही कि आईडी में सच में बेचारी, या फिर जो लड़का होगा, जो लड़की होगी, अगर वो मैम क्यों ट्रोलिंग कर रहा होगा, समझ जाना वो लड़की होगी। या तो अगर लड़की की आईडी में, तो समझ जाना बेचारा निठल्ला बेरोजगार आदमी है, उसको बहुत दुखी आदमी है, इतना दुखी है कि उसको बस सबको बस नेगेटिव कमेंट पास करना है, उसको बस पीछे की तरफ खींचना है, ठीक है? तो कमेंट सेक्शन में उसको पकड़ के